दोस्तों बच चुका है इंडिया बांग्लादेश की सबसे रोमांचक T20 सीरीज का भूगोल। बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है सांस रोक देने वाला सबसे बड़ा पहला T20 मैच। 11 खूंखार शेरों के साथ मैदान में कदम रखने के लिए तैयार हैं कप्तान सूर्य। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच? भारतीय समयानुसार कितने बजे होगी इस महामुकाबले की शुरुआत? ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और पहले T20 की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन ये T20 सीरीज अपने नाम कर पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों T20 में तो इस समय भारत का दबदबा पूरे विश्व में कायम है। टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनी, हालांकि इंडिया का श्रीलंका दौरा थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा रहा। जहां T20 सीरीज में तो टीम इंडिया ने आसानी से 3-0 से श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर दिया, लेकिन वनडे सीरीज में श्रीलंका ने भारत का सूपड़ा साफ करते हुए हिसाब बराबर किया। हमें वनडे सीरीज में 2-0 से धूल चटाकर इतिहास लिखा, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। लेकिन अब भारतीय फैंस की कुछ खुशियां दुगनी होने जा रही है, क्योंकि अब एक नए दौरे का ऐलान हो चुका है जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी देखने को नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बहुत जल्दी टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो आपको मालूम ही है। वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं। इसलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया आने वाली है। इसके पूरे स्केड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें पहले T20 मुकाबला 11 सितंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद यह कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 13 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में दो हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में इस सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है, और इससे T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा, जैसा हमेशा होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण Disney+ हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे, उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी इस T20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों तो अब चलिए BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाती नजर आने वाली है। ये दोनों T20 में कितने खतरनाक हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली T20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही साथ वो विकेट कीपर की भूमिका भी हमें निभाते हुए नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI द्वारा दिया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन T20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर सातवें और आठवें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। नौवें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में दसवें और ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए दिल्ली के मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने रख दिए अपने कदम। हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह की करवा दी है वापसी। तो आखिर तीसरे वनडे में किन 11 भूखे शेरों के साथ उतर चुके हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा? क्या है बांग्लादेश की प्लेइंग 11 टीम? कहां देख सकते हो आप ये महामुकाबला, वो भी लाइव? साथ ही पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में कौन सी टीम तीसरा वनडे मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं, और जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला अपने आप
आप बेहद ही रोमांचक बन जाता है। बांग्लादेश मजबूत टीम है, लेकिन पहले वनडे मुकाबले में तो उनकी टीम इंडिया के सामने एक न चली, जहां रोहित शर्मा की पलटन ने किसी मच्छर की तरह बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को मसल कर रख दिया और 1-0 से वनडे सीरीज में बढ़त भी बना ली। लेकिन दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश अंतिम गेंद तक खेले गए रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को धूल चटाने में कामयाब हो गई, जिसके बाद यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर आकर खड़ी हो गई। अब यह कारवा इतने में ही रुकने वाला नहीं है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे वनडे का बिगुल बज चुका है। यहां बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन संतो कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम को वो हराएं, और इसलिए उन्होंने रोहित शर्मा की भारतीय टीम को हराने के लिए पूरा प्रबंध भी कर लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच ये मुकाबला आप सभी को लाइव दिल्ली के मैदान पर खेला जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले में एक तरफ रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए देख रहे हो तो दूसरी तरफ नजमुल हुसैन संतो अपनी टीम को संभाल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच यह रोमांचक मुकाबला लाइव अगर आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। और अगर आपको यह मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस रोमांचक मुकाबले में रोहित शर्मा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि टॉस जीतकर भी वो मुकाबला हारें, इसलिए वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला ही चुने हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि एक तरफ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ करेंगे, जहां उन्होंने टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बदल दिया है और तीसरे और चौथे नंबर पर खिलाड़ियों को भी बदलकर हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आइए आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम बताते हुए चलते हैं जो भारत की खेलती हुई नजर आएगी। दरअसल दोस्तों यहां बांग्लादेश की तरफ से जिन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है उसमें लिटन दास, संजीद हसन दो बेहतरीन खतरनाक ओपनर उनकी तरफ से मैदान में उतरेंगे, तो मध्यक्रम में कप्तान नजमुल हुसैन संतो, शाकिब अल हसन, सौम्या सरकार और तोहिद दोए के कंधों पर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में महमदुल्ला, रिशाद हुसैन और मेहंदी हसन मिराज उनके सबसे बड़े हथियार है, तो तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय टीम के बारे में तो दोस्तों टीम इंडिया में कप्तानी तो रोहित शर्मा कर रहे हैं, तो वहीं उनका साथ अब पारी की शुरुआत बतौर टॉप ऑर्डर पर करने के लिए यशस्वी जायसवाल उतरे हैं। तो वहीं दोस्तों फिर मध्य क्रम में तीसरे नंबर पर विराट कोहली को खिलाया जा रहा है, चौथे पायदान पर ऋषभ पंत, पांचवीं पोजीशन पर हार्दिक पांड्या, नंबर छह पर यान पराग, तो वहीं नंबर सात और आठवीं पोजीशन पर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम। और आप दोस्तों अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा अपनी टीम को आखिरकार कैसे मुकाबला जितवा पाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम मजबूत टीम है और वो वनडे में अच्छी से अच्छी टीमों को हराना बखूबी जानते हैं, और रोहित शर्मा का फोकस बस इसी बात पर रहेगा। लेकिन दोस्तों भारत के लिए कुछ भी कठिन तो होने वाला नहीं है और पिच भी हमारी कंडीशन के हिसाब से रहेगी, तो टीम इंडिया की जीत तो लगभग पक्की है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम बाजी मारेगी तीसरे वनडे जीत कर, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, धन्यवाद। क्योंकि T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगा पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम को जीत दिला पाए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी तो जानते हैं इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीत हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीत हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो, जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही लिटन को सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां
दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर